टुडे आवर स्टोरी इज वॉशरमैन्स डोंकी। वॉशरमैन होता है कपड़े धोने वाला, है ना, जो कपड़े धोते हैं धो, तो उसके डोंकी की ये स्टोरी है। अब क्या है ये स्टोरी, अब हम पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ वॉशरमैन हु हैड अ डोंकी टू हेल्प हिम विद हिज वर्क। वंस मतलब एक बार की बात है, एक वॉशरमैन था हु हैड अ डोंकी, जिसके पास एक डोंकी था टू हेल्प हिम विद हिज वर्क, उसको काम में मदद करने के लिए। यानी जो डोंकी था वो वॉशरमैन को उसके काम में मदद करता था। बट ही वॉज अ पुअर मैन एंड ही डिड नॉट हैव इनफ फूड टू गिव टू द डोंकी। अब जो वॉशरमैन था, पुअर मतलब गरीब था, डिड नॉट हैव इनफ फूड, उसके पास इतना खाना नहीं था टू गिव टू द डोंकी के वो डोंकी को दे सके। मीन्स के वो डोंकी को जितना खाना डोंकी को चाहिए उतना नहीं दे पा रहा था। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण डोंकी वॉज लीन एंड वीक। लीन मतलब होता है कमजोर, पतला सा, वीक कमजोर, लीन मतलब पतला सा, कमजोर और पतला था डोंकी। द वॉशरमैन वॉज अफ्रेड दैट इट वुड डाई। और वॉशरमैन को ये डर लगता था कि हाय कहीं ये डोंकी मर ना जाए, क्योंकि वो खाना पूरा दे नहीं पाता था, कमजोर था, तो वॉशरमैन को लगता था कि हाय उसका कहीं डोंकी मर ना जाए। वन डे इन द जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट, ही केम अक्रॉस अ डेड टाइगर। क्या दिखा वॉशरमैन को, क्या दिखा, एक डेड टाइगर दिखा। ही हैड एन आइडिया एट वंस, तभी एकदम से, एट वंस मतलब एकदम से वॉशरमैन को आइडिया आया। ही थॉट आई एम लकी टू हैव फाउंड अ डेड टाइगर। उसने सोचा कि मैं लकी हूं, क्यों, क्योंकि मुझे एक डेड टाइगर मिल गया। आई विल टेक द टाइगर स्किन होम, मैं टाइगर की स्किन को घर ले जाऊंगा। आई विल कवर द डोंकी विद द टाइगर स्किन, और डोंकी को मैं क्या करूंगा, इस टाइगर की स्किन से कवर कर दूंगा। एंड लेट हिम ग्रेज इन द नियर बाय फील्ड आफ्टर सनसेट। सनसेट मतलब जब सूरज डूब जाता है ना, तो शाम के टाइम मैं उसे जो पास की फील्ड है ना, खेत है, वहां पे ग्रेज मतलब घास खाने के लिए, घास खाने के लिए छोड़ दूंगा। द फार्मर विल थिंक ही इज अ टाइगर, फार्मर सोचेंगे कि वो टाइगर है, एंड दे वॉन्ट टच हिम, और वो उसे नहीं छुएंगे। मतलब कितना मजेदार उसने आइडिया निकाला कि भाई अगर मैं अपने डोंकी को टाइगर की लुक दे दूंगा तो लोग उससे डरेंगे, और वो जहां मर्जी चाहे वहां की घास खा सकता है, तो वो भूखा भी नहीं रहेगा, उसका पेट भी भर जाएगा। ही विल बी एबल टू ईट एज मच एज ही वॉन्ट्स। अब वो जितना भी डोंकी चाहता है उतनी ग्रास को खा सकता है। एज मच एज मतलब जितना, ही वॉन्ट्स मतलब जितना वो चाहता है उतनी खा सकता है। सो एवरी नाइट डोंकी इन द टाइगर स्किन वेंट इन टू द फार्मर्स फील्ड एंड एट हिज फिल। अब क्या होने लगा, एवरी नाइट हर रात, ठीक है, डोंकी जो था वो टाइगर की स्किन में फार्मर्स के फील्ड में जाता था एंड एट हिज फिल। एट हिज फिल मतलब कि जब तक उसका पेट पूरा नहीं भर जाता था वो तब तक खाना खाता ही रहता था, घास खाता ही रहता था। द फार्मर सॉ हिम, फार्मर ने उसको देखा, एंड दे थॉट ही वॉज अ टाइगर, और क्या सोचा कि वो टाइगर है। दे वर सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डर जाना, वो इतना डर गए दैट दे स्टेड इनसाइड देयर होम्स, कि जो फार्मर्स हैं वो अपने घर में ही रहे, इनसाइड देयर होम, वो बाहर निकले ही नहीं डर के मारे। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ही वुड गो बैक टू द वॉशरमैन हाउस। सुबह वो कहाँ चला गया, वॉशरमैन के घर में वापस चला गया डोंकी। एंड नोबडी न्यू दैट द टाइगर वॉज ओनली अ डोंकी, और किसी को भी नहीं पता चला कि जो टाइगर था वो एक्चुअली एक डोंकी था। एज टाइम पास्ट, अब जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, द डोंकी ग्रू फैट, डोंकी मोटा होने लगा, द वॉशरमैन वॉज हैप्पी।
वॉशरमैन बहुत खुश था। वन नाइट, एक दिन, एज ही वॉज फीडिंग ऑन द फ्रेश क्रॉप्स इन द फील्ड, ठीक है, प्लांट्स जो फ्रेश क्रॉप्स होते हैं ना, जो ग्रीन होते हैं हमारे, जो हम लगाते हैं क्रॉप्स, जो बोया होता है नया नया, वो खा रहा था। डोंकी हर्ड अनदर डोंकी ब्रेइंग, ब्रेइंग मतलब डोंकी जैसे आवाज निकालता, तो उस डोंकी ने किसी दूसरे डोंकी की आवाज सुनी। द वॉशरमैन डोंकी सेड ही हो इन रिटर्न, अब वो भी ब्रेइंग करने लगा। एक डोंकी दूसरे डोंकी को सुन के वही डोंकी वाली आवाज निकालेगा, अब वो था तो टाइगर की स्किन में, लेकिन वो आवाज कौन सी निकाल रहा था, डोंकी वाली। फार्मर वर वॉचिंग हिम फ्रॉम इनसाइड देयर हाउस, और वो फार्मर्स अपने घर के अंदर से ये सब देख रहे थे। व्हेन दे हर्ड हिम ब्रे, और जब उन्होंने देखा, ब्रे मतलब ढेचू ढेचू करता हुआ डोंकी को, दे सेड हाउ कैन अ टाइगर ब्रे लाइक अ डोंकी, तो वो सोचने लगे टॉइस टाइगर जो है वो डोंकी की आवाज कैसे निकाल सकता है। स्लोली दे क्रेप्ट आउट टू चेक, क्रेप्ट मतलब जैसे धीरे धीरे छुप छुप करते हुए, ठीक है, वो गए वहां पे, एंड फाउंड दैट टाइगर वॉज ओनली अ डोंकी ड्रेस्ड इन अ टाइगर स्किन, तो उन्होंने ये देखा, फाइंड आउट किया कि टाइगर जो था वो डोंकी था जो टाइगर की स्किन पहने हुए था। दे बीट हिम, उन्होंने उसकी खूब पिटाई की, एंड चेज हिम अवे, और उसको अपने फील्ड से बाहर भगा दिया। द पुअर डोंकी नेवर वेंट बैक अगेन टू द फील्ड टू ईट देयर क्रॉप्स, और वो बेचारा डोंकी कभी भी फार्मर की फील्ड में दोबारा नहीं गया उनकी क्रॉप्स खाने के लिए। दैट इज वाई वाइज पीपल से, इसीलिए जो वाइज मतलब समझदार लोग हैं क्या कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी वट यू आर नॉट, जो आप नहीं हो वो आप बनने की कोशिश मत करो। ओके, तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, क्या हमने सीखा, कि जो आप नहीं हो वो आप बनने की कोशिश मत करो।